नमस्कार, मैं अमित रमेश मुखर्जी, आज वापस आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं पोमोग्रेनेट प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में। आपको शायद पता ही होगा कि इंडिया पोमोग्रेनेट में सबसे लार्जर एक्सपोर्टर है, या लार्जर प्रोडक्शन हमारे इंडिया में चलता है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली दो लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड हेक्टर पे पोमोर का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान, इन सारे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग उसके डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पोमोग्रेनेट पे प्रोसेसिंग किस तरीके से किया जाए। यदि इस बिजनेस को शुरू करना है तो आपको क्या चीज़ों का ख्याल रखना होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और ये बिजनेस हम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पोमोग्रेनेट प्रोसेसिंग बिजनेस। यूजुअल तौर पे चार डिफरेंट प्रोडक्ट है। नंबर वन मेरे हिसाब से जूस, राइट। नंबर टू पाउडर, नंबर थ्री अनारदाना एंड नंबर फोर ऑयल। मेजर प्रोडक्ट मुझे लगता है कि यही होने चाहिए। फिर पोमोग्रेनेट का जाम बन सकता है या कुछ और बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, बहुत सारा कुछ बन भी सकता है। पर मेरा फोकस है कि यार पोमोग्रेनेट पे प्रोसेसिंग करना है तो क्या बिक सकता है उस पर फोकस करना चाहिए, राइट। तो क्या हम बना सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हमें बेचना चाहिए या किस प्रोडक्ट की या किस बाय प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, इस पर डिपेंड करता है कि आप उस बिजनेस को शुरू करें या ना करें, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम फोकसली ये चीज़ें समझते हैं कि जो चार प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें यह हो गया जूस, देन पाउडर, देन अनारदाना या फिर ऑयल, इसमें से बेसिक जो तीन प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आज के एंड में डिमांड है पाउडर की। नंबर टू जूस, नंबर थ्री अनारदाना एंड नंबर फोर ऑयल, फाइन। अब अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट होगा। यूजुअल तौर पे यदि हम फार्मर्स के एंगल से देखें तो यार बहुत बार ऐसा होता है कि पोमोग्रेनेट को रेट नहीं मिल पाता, तो वैल्यू एडिशनल एंगल से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार कौन ये बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो मुझे लगता है जिस किसान के पास ऑलरेडी इसकी खेती है या ऑलरेडी इसका प्लांटेशन है, वो बंदा डेफिनेटली शुरू कर सकता है। नंबर टू, आप सिटी एरिया में हो, मैंने जो अलग 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 स्टेट्स बताए उनसे आप बिलोंग करते हो, या अलग जो स्टेट्स बताइए उसके कोई भी सिटी एरिया से आप बिलोंग करते हो, आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, राइट। इसके आगे जाकर हमें ये समझना होगा कि कितनी जगह लग सकती है, हम अर्बन एरिया में शुरू कर सकते हैं या रूरल एरिया में शुरू कर सकते हैं। मेरा 13 सालों का या 2011 से इस फील्ड का तजुर्बा है। मेरा एक सिंपल सा मानना है, एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस है तो आप इनिशियल लेवल पे, छोटे स्तर पर, एसएमई स्तर पर या स्मॉल स्केल पर आपके गांव से शुरू कर सकते हो, आपके खेत से शुरू कर सकते हो। पर जैसा आप स्केल बढ़ाने जा रहे हो या इंडस्ट्रियल बेस्ड बिजनेस करने का प्लान सोच रहे हो, तो आपको कमर्शियल स्पेस में या इंडस्ट्रियल स्पेस में ही बिजनेस करना अच्छा रहेगा, राइट। इसके आगे एक बात बहुत हमें फोकस करनी होगी, यदि हम पोमोग्रेनेट का पाउडर बनाएंगे, एग्जाम्पल यदि हम पाउडर बनाते हैं, तो हमें ये पहले समझना होगा कि ये जो पाउडर बना रहे हैं हम, ये कहाँ पे बिक सकता है, कहाँ पे सेल हो सकता है, राइट। आप यदि इस वीडियो के इस एंगल से देख रहे हो कि फिर मशीन कहाँ से मिल जाएंगी, कैसे वर्कआउट होगा या मशीनरी कहाँ से मिल जाएंगी, ये हमें बता दीजिए तो हम बिजनेस शुरू कर देंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दो सर, मत देखो सर, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ मशीन लेने से बिजनेस शुरू हो सकता है, यदि ये थॉट आपके दिमाग में है तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। क्योंकि क्या है कि मेरा ये मानना है कि बिजनेस का इथिक्स समझना, बिजनेस का पूरा फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यदि आपको सिर्फ मशीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिंपल सी भाषा में आपको कहता हूँ कि आप फिर हमारा चावड़ी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अलग अलग बिजनेस आपको दिख जाएंगे। चावड़ी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, नीचे जाइए सप्लायर्स पे क्लिक कीजिए, यदि इसके मशीनरी सप्लायर्स है या जो कुछ चीज़ें इस बिजनेस के लिए लगती है, हमने उसमें एक मेनू कार्ड बना के रखा है, तो वो सारी चीज़ों के नंबर्स आपको मिल जाएंगे। पर क्या आपका बिजनेस शुरू हो पाएगा वो नंबर्स मिलने से? नंबर तो चावड़ी के ऐप से आपको डायरेक्टली भी मिल जाएंगे, या फिर आप कॉल सेंटर के नंबर को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे मुझे सप्लायर इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर भी मिल जाएंगे। पर बिजनेस शुरू हो पाएगा, बिजनेस सक्सेस हो पाएगा नहीं, तो शुरू करने से पहले, चावड़ी के कॉल सेंटर टीम को बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि भाई ये पाउडर यदि बनता है तो ये कहाँ पे बिकता है, राइट। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि पोमोग्रेनेट पाउडर बिकता है मार्केट में
स्पाइसेस कंपनीज में, राइट, जो चाट मसाला आता है उनको बिकता है, या समहाउ कोई कॉस्मेटिक कंपनीज भी इनका जो है वो प्रोडक्ट वो भी ले सकती है, या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल में भी कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल होता है। तो हमें ये फोकस करना होगा कि पहले वी हैव टू इनिशिएट विद दैट कंपनी कि जो ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, राइट। बहुत बार अब ये हो रहा है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा, अब ये यूट्यूबर्स और हम में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा बता देता हूँ। मैं अपने वीडियो को व्यूज़ लाने के लिए ये वीडियो नहीं कर रहा, वी आर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन बिजनेसेस। तो हमें ये तो पता है कि सिर्फ वीडियो को व्यूज़ लाने के लिए देखो ये पोमोग्रेनेट है और ये ऐसे प्रोसेस होता है और ये बहुत सारी कंपनीज लेती, ऐसा मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं भाई। एकदम सिंपल सी बात है कि यदि हमें फोकस करना है तो हमें पहले वो कंपनीज आइडेंटिफाई करनी होगी जिनको हम ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? यदि सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि सर सही, आप सही बोल रहे हो, राइट। और दूसरी एक चीज़ कि मेरा ये एंगल सही है गलत है कि सिर्फ मशीन लेने से बिजनेस नहीं शुरू हो सकता। मेरा ये मानना है कि बिजनेस शुरू करना है भाई तो पहले उस बिजनेस का फंडामेंटल समझना होगा कि किस तरीके से ये बिजनेस हो पाएगा। तो यदि हम पाउडर का प्लान भी बनाते हैं तो ये जो पाउडर का प्लान है इसको बेसिकली क्या है, ड्रायर्स लगते हैं, राइट। तो ड्रायर्स में भी अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई हमें स्प्रे ड्राइंग करना है, हमें ट्रे ड्राइंग करना है, हमें हीट पंप करना है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। वो तो बाद में तय होगा कि हमारे बायर हमें क्या डिमांड करता है, बायर की किस बायर को क्या लगता है कि यार क्या चाहिए, तब जाकर हमें कुछ कंफर्मेशन मिल सकता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी हम एब्सॉर्ब करें। बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये टेंशन प्लीज ना लीजिए, वो तो बायर बेस होगा। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट क्या लग सकता है ये यूजुअल तौर पे पाउडर के बिजनेस की पहले हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या लग सकता है, तो मुझे सिंपल सा सवाल है कि 1 टन कैपेसिटी का हम प्रोसेसिंग का प्लांट लगवाए, अप्रॉक्सिमेटली 20-25 लाख तक इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। छोटे स्केल पे हो सकता है क्या, सोलर में कर सकते हैं क्या? अभी तो बहुत सारे लोगों के यहाँ ट्रेंड आ गया सोलर पे करो, डेफिनेटली सोलर पे हो सकता है, पर दिक्कत ये है सामने वाले बायर को सोलर का चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट में उसकी डिमांड है या नहीं है, इसका तो पहले जवाब ढूंढो भाई। सही है गलत है, यस और नो, कमेंट करके बताना मुझे आपको क्या लगता है, यस और नो, सही है ना। नंबर थ्री, सिर्फ बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं हमारे कॉल सेंटर टीम से कंसल्ट करने के लिए, जब मेरे से भी जूम मीटिंग पे या पर्सनल कंसल्टिंग लेकर चार्जेबल जो है मेरा जूम मीटिंग और पर्सनल फ्री में, तो मैं खुद नहीं अवेलेबल होता हूँ, पर चावड़ी का ऐप डेफिनेटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है यदि आपको सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर जूम में भी पेमेंट देकर मुझे जब लोग मिलते हैं तो लोग पूछते हैं सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्सपोर्ट मार्केट। मैं कहता हूँ आप गए हो कभी दुबई गए हो? नहीं, मैं तो नहीं गया। तो आपको कहाँ से पता चला कि यार एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है? तो वो कहता है कि मैंने YouTube पे देखा। तो आपको ये नहीं लगता शायद कि अब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है ये बता कौन रहा है, ये दिखा कौन रहा है? कोई मेरे जैसा चावड़ी जैसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है कि इसमें बहुत एक्सपोर्ट में डिमांड है, या कोई एंटरप्रेन्योर है जिसका आपने प्रैक्टिकली खुद का उसने डाला हुआ वीडियो देख लिया कि सक्सेस स्टोरी है भाई, बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया बन गया, या फिर मेरे जैसा बंदा किसी का सक्सेस स्टोरी लेकर सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखो ये है मेरे वाला सक्सेस स्टोरी और इसने ये बिजनेस शुरू किया है, बहुत एक्सपोर्ट में ट्रेंड चल रहा है और आपको भी करना है तो आ जाइए और मेरे ट्रेनिंग सेशन को एक्सपोर्ट के ज्वाइन कीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है। मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? सर यदि एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट की डिमांड है तो हर चीज़ बाहर के विदेशों में या अलग अलग कंट्रीज में नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं यार। सर पहले से बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में लोग काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में काम करना है और बाय प्रोडक्ट यानी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट लेकर काम करना है तो हमें पहले तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना होगा, उस क्वालिटी का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमें मार्केट में लॉन्च करना होगा, फिर उसका पैकेजिंग उस लेवल से होना होगा, फिर बाद में शायद जो यहाँ डोमेस्टिकली बिक रहा है वो शायद एक्सपोर्ट में भी डिमांडेड करे, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ सुपर मार्केट ही है, वो क्या वहाँ उल्लू और गधे बैठे हैं क्या? बात सिंपल सी है ना। तो ऐसा है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे 20 रुपये में है वो शायद वहाँ पे पूरा खर्चा ऐड करके प्रॉफिट 30-40-50 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि यार ट्रांसपोर्ट लग जाती है, ट्रैवलिंग चार्जेस है, मार्जिन है, तो वो डेफिनेटली चार्जेस तो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो 20 रुपये का प्रोडक्ट है वो सब 20 डालकर 200-500 रुपये में बिक रहा है, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता सर, ये थोड़ा पहले समझिए, राइट। तो पाउडर को लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड है और एक्सपोर्ट में भी डिमांड है, पर हमें वो आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपको वो आइडेंटिफाई करनी, कोई बंदा मैं भी आपको डायरेक्टली मार्केट के लिए नहीं दूंगा, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा यदि आपको ये बिजनेस शुरू करना है। समझ में आ रही है? नंबर टू, जूस B2C प्रोडक्ट है,
B2C का मतलब है कि आप खुद बनाएंगे, मार्केट में खुद आप लॉन्च करेंगे, आइदर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के जूस के पैकेट्स आते हैं उस तरीके से हम जूस का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और जूस में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हम हमारा टेट्रा पैक या हमारी बॉटल्स मार्केट में लॉन्च करेंगे। अब जूस क्या है कि सुपरमार्केट्स में या फिर मॉल्स में बेचा जाता है, तो हमें उस एंगल से मार्केटिंग सीखना होगा कि किस तरीके से B2C में अपना ब्रांड बनाया जाए। अब ये भी सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है कि सर हम बनाएंगे और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए डाल देंगे। तो आज भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में ग्रॉसरी सिर्फ मल्टी मेट्रो सिटीज़ में ही पुश हो रही है, पर उतना भी पुश नहीं है कि हम सोच ले कि यार सिर्फ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे डाल दे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसा वीडियो ना शेयर मार्केट वाले बहुत सारे लोग ऐसे ही मुझे लगता है कि बीच में जो ट्रैप हुआ है ना ऐसा ही हो जाता है, मनी डबल या कुछ ऐसा पॉलिसी बना देते तो लोग इन्वेस्ट करने शुरू कर देते। गलत है, वो क्या कर रहे छोड़ दो, आप गलती कर रहे हो। सर एनालिसिस करो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट सेल होगा, जरूर होगा, बिग बास्केट पे हो सकता है, जेप्टो पे हो सकता है, डूनजो पे हो सकता है, ग्रॉफर्स पे हो सकता है, यानी ब्लिंकिट पे हो सकता है, पर सिर्फ उसी पे डिपेंड रह के हम काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, लाइक कर देना यार वीडियो को, किया है ना पहले, वापस अनलाइक मत कर, लाइक ही रहने देना, नहीं किया है तो अब लाइक कर देना, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके आगे जाकर मुझे ये लगता है कि हमें एक मार्केटिंग प्लान बनाना होगा B2C वाला, और स्टेप बाय स्टेप ये जूस वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा। अब जूस के लिए बिजनेस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख तक का हमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, और डेफिनेटली यही चीज़ है कि उसमें तो जितना खर्चा करोगे, क्योंकि जूस है तो मार्केट में जितना खर्चा करोगे उतना हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इनिशियली क्या होता है कि जब आप इनिशियल लेवल पे, जब आप पेड कंसल्टेंसी लेके मुझे जूम में या कंसल्टेंसी के लिए लोग जब मिलने आते तो सवाल तो एक समय वो एक 10-15 सवाल होते तो मैं उनके आंसर भी दे देता हूँ, पर यूजुअली अब ये होता था कि लोग हमें पूछते थे कि सर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए आपका, आप पूरे समय तक मेरे साथ जुटे डटे रहे। इसलिए हमने एक BCP प्रोग्राम लॉन्च किया, जो फिर आपको एवरी सैटरडे, आप हर एक साल का सब्सक्रिप्शन होता है, आप मुझे मिल सकता है, और डे टू डे आपका क्या चल रहा है, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, ये पूरा एक्टिविटी हम कवर करते हैं। तो ये पोमोग्रेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि आपको BCP की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे कॉल सेंटर टीम को फोन कर सकते हैं। वी आर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी, राइट, हम पैसा लेके ये पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यदि सिर्फ सप्लायर और सेलर्स की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आपको हमारा ऐप जब आप डाउनलोड करोगे और उसमें से जो बिजनेस, यदि फूड प्रोसेसिंग में जाकर जब पोमोग्रेंट बिजनेस सेलेक्ट करोगे तो वहाँ सप्लायर इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी का बिजनेस किस तरीके से किया जाए ये हमारी चार्जेबल फैसिलिटीज है, राइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो ऐप आपको प्ले स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। यदि आपको जूम चाहिए या फिर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए या फिर आपको BCP प्रोग्राम ज्वाइन करना, ये फिर हमें कॉल सेंटर नंबर को आप फोन करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सर अनारदाने की क्या मार्केट है? डेफिनेटली अच्छी है, ये भी ड्राई प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट में ज़्यादा चलता है, पर आपको वो आइडेंटिफाई डेफिनेटली करना ही होगा। अनारदाना भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, जूस के लिए 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अनारदाना वापस डिहाइड्रेटेड ही बिजनेस है, तो पाउडर और अनारदाना सेम हो वही चलेगा, डिहाइड्रेशन वाला बिजनेस चलेगा। और लास्ट में आता है ऑयल, थोड़ी डिमांड कम है, ऑयल इतना मार्केट में नहीं सेल हो रहा, लिमिटेड प्रोडक्ट है, पर डेफिनेटली ये जो फ्रेश एरियल्स का जो धंधा है, जो मैंने अब तक नहीं बताया था, जो लास्ट में आप बता रहा हूँ, फ्रेश एरियल्स का धंधा शायद अच्छे तरीके से हो सकता है। इसका कॉम्बिनेशन भी मैं बाद में जब आप जूम में मिलोगे वो मैं उस टाइम कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि पोमोग्रेंट किस तरीके से मार्केट में पुश किया जाए। रही बात गवर्नमेंट सब्सिडी की, तो हाँ भाई PMFP करके स्कीम है, NHM करके स्कीम होता है, CMAGP करके स्कीम होता है, इसमें एक अप्रॉक्सिमेट 30-40% तक आपको स्कीम का सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। बैंक लोन आपका सिविल अच्छा होता है, बैंक लोन भी मिल सकता है। और क्या रहा, मुझे लगता है कि यार बेसिक है, एक 10-15 लाख 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर ये पोमोग्रेंट प्रोसेसिंग में आप एंटर कर सकते हो। रही बात गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन एरिया से जहाँ पे फार्मिंग होता है ये, तो डेफिनेटली वहाँ का फार्मर डेफिनेटली कर सकता है। आप जैसे कि पुणे हो, बॉम्बे हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, लुधियाना हो, मुंबई हो, या फिर दिल्ली हो, कहीं से भी हो, या बेंगलोर से हो, बेंगलुरु से हो, चेन्नई से हो, थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाएगा। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नाम गलत हो जाए तो उसमें ज़्यादा प्रेशर ना लेना, वो थोड़ा फोकस करना, डेफिनेटली ये बिज़नेस हो पाएगा। और कौन से बिज़नेस की आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहीं ना जाइएगा, सिर्फ एक छोटा सा काम कर दीजिए, मेरा बहुत सारा अलग से प्लेलिस्ट अलग अलग बिज़नेस के मैंने डाली हुई वीडियोज़, वो भी आप देख लेना। यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप कन्फ्यूज़ हो कौन सा बिज़नेस करना चाहते हो, ये कन्फ्यूज़ हो कैसे करना है ये क्लियर नहीं हो रहा, यू कैन कॉल टू अवर कॉल सेंटर नंबर, बुक द अपॉइंटमेंट, और फिर हम डेफिनेटली आपके बिजनेस के बारे में कस्टमाइज डिस्कस करेंगे। तब तक